अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर तैयबा। वेलकम एजी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। खून की नालियों में मौजूद खून का सतही दबाव ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड प्रेशर की दो अकसाम होती हैं, सिस्टोलिक डायास्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, एक ख़ास कुव्वत से खून जो है दिल नालियों में या आर्टरीज में धकेलता है, वो जो ख़ास कुव्वत दबाव जो प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक कहलाता है। और जब दिल ख़ास दबाव या प्रेशर से खून को नालियों में धकेलता है तो चंद सेकंड के लिए वो रेस्ट करता है, जो वो रेस्टिंग पॉइंट होता है वो डायास्टोलिक कहलाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आम रूटीन में हमारा जो है सिस्टोलिक एंड डायास्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। आम रूटीन में अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है तो आप हाइपरटेंशन के पेशेंट नहीं हैं। यानी अगर इसको कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, 120/80 प्लस माइनस 10, यानी अगर आपका बीपी 120/80 या अगर हम प्लस करेंगे 130/90 तो आप हाइपरटेंशन के पेशेंट नहीं हैं। इसी तरह अगर हम इसमें माइनस 10 करते हैं तो 110/70 तब भी आप हाइपरटेंशन के पेशेंट नहीं हैं। अगर आपका बीपी ब्लड प्रेशर जो है 140/90 से ज़्यादा है, अबव है, रेज है, तो आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाइपरटेंशन की कितनी काइंड्स होती हैं। हाइपरटेंशन की दो काइंड्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्राइमरी में क्या होता है। प्राइमरी में अगर आपकी जेनेटिक में, अगर आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर किसी को है, आपके ननिहाल में, आपके ददियाल में, आपके पेरेंट्स को, तो लाजमी बात है आगे जाके आप भी हाइपरटेंशन के पेशेंट बन सकते हैं। उसके अलावा उसकी दूसरी कोज है कि अगर आपकी रूटीन डिसऑर्डर है, अगर आपकी रूटीन में कोई बैलेंस नहीं है डाइट का, यानी कि आप जो है ज़्यादा फैट वाली डाइट लेते हैं, स्पाइसी डाइट लेते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, तो आप सारा दिन कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, तब भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो रेज कर सकता है, आप हाइपरटेंशन के पेशेंट बन सकते हैं। तो अगर हम आप सेकंड के लिए ये है कि अगर आप अपनी लाइफ को, जो डिसऑर्डर लाइफ है, अगर उसको मेंटेन कर लें तो आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सेकंड जो है वो है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है, जो हाइपरटेंशन होती है ये किसी ख़ास सिम्टम की थ्रेट होती है, यानी कि इसके पीछे कोई ख़ास और सिम्टम्स होती है, कोई और बीमारी होती है जिसकी वजह से आप हाइपरटेंशन का शिकार बनते हैं। उसमें जो है सबसे जो मेन है हाइपरटेंशन के लिए वो होता है कि आप हार्ट के पेशेंट तो नहीं, डायबिटिक तो नहीं। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा कैफ़ीन या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, वो हाइपरटेंशन के पेशेंट बन सकते हैं। इसके अलावा मुसलसल स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी आपको हाइपरटेंशन की तरफ लेके जा सकता है। कुछ ऐसी मेडिसन्स होती हैं जिसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है, या आपको कोई ऐसी लॉन्ग रन बीमारी हो जिसमें आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, तब भी आप हाइपरटेंशन के पेशेंट बन सकते हैं। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं और या आप पिट्यूटरी ग्लैंड की आप में ख़राबी है, इसके अलावा या आपको किडनी का कोई मसला है, तब भी आप हाइपरटेंशन के पेशेंट बन सकते हैं। और इसके क्या खतरात हैं अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं और आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते तो उससे क्या हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, आप पैरालाइज्ड हो सकते हैं, आपको कहीं से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, आपका जो लीवर है वो फेल हो सकता है, आपकी जो किडनी है उनमें ख़राबी आ सकती है। तो लिहाजा अगर आपका बीपी रेज होता है तो सबसे पहले सेल्फ मेडिकेशन ना लें, बल्कि डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्टेशन के बगैर कोई भी मेडिसन ना लें। और इसके अलावा ये है कि जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है उसको चाहिए कि वो डॉक्टर के मशवरे से अपने जो टेस्ट करवाता रहे। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो हैं, हाइपरटेंशन के फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, आपको नहीं पता, तो सबसे पहले अपना CBC चेक करवाएं, अपना LFT, RFT चेक करवाएं, ECG मस्ट करवाएं, क्योंकि इसकी आगे सिम्टम्स क्या होती हैं। इसकी मेन सिम्टम्स ये होती है, जो हाइपरटेंशन का पेशेंट होता है उसको चक्कर महसूस होते हैं,
इसके अलावा उसकी पल्पिटेशन जो होती है बहुत से ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको नींद नहीं आती, वो हमेशा एंग्जाइटी का या डिप्रेशन का शिकार रहता है। इसके अलावा बहुत सी और दूसरी बीमारियां हैं लेकिन वो उसको तरफ साइलेंट, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन इज़ अ साइलेंट किलर। समटाइम्स आपको पता ही तब चलता है जब आप इसकी काफ़ी स्टेज में किसी और बीमारी की थ्रेट में जा चुके हों, तब आपको डायग्नोज होता है कि आपकी जो बीमारी है, आपको लिवर की बीमारी लगी या किडनी की जो बीमारी है वो आपको हाइपरटेंशन की वजह से लगी। तो इसलिए आप अपना जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, इसके अलावा अपने ब्लड प्रेशर को चेक करते रहें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी कोई मेडिसिन इस्तेमाल ना करें। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो साथ साथ आप अगर लेते हैं कोई आपका हार्ट का मसला है, तो डायबिटिक का प्रॉब्लम है, तो आप साथ साथ उसकी मेडिसिन लें। इसके अलावा ये है कि होम्योपैथिक में चंद ऐसी मेडिसिन हैं, होम्योपैथिक में सिम्टम के मुताबिक मेडिसिन दी जाती हैं। समटाइम्स आपको कोई सिम्टम्स होती है, अगर उसको ट्रीट किया जाएगा वो सही हो जाएगी, तो आपका जो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले ये है कि अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्टेंट करें। एलोपैथी के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, ये होगा कि आपके अंदर जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी और बहुत जल्द अपने आप में आप इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाने में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन अहम करदार अदा करेंगी। मैं आपको बताती हूँ होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो मैंने अपने क्लिनिक में यूज़ कराई, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। सबसे पहले मैं आपसे यह है कि अगर आप मेरे चैनल को न्यू देखने वाले हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी लोगों को बताएं। बताना भी सदका जारिया है क्योंकि हो सकता है कि किसी का भला हो जाए और आपका नाम नेकी में लिखा जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो मैंने यूज़ करवाई, क्योंकि हर एक की तो सिम्टम अलग अलग होती हैं, उसके मुताबिक होम्योपैथिक की मेडिसिन दी जाती हैं। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है नक्सवामी का। अगर सुबह उठते साथ ही आपको सर हेडेक होता है और इसके अलावा आप ये ज़्यादा जो है गोश्त हो रहे हैं, ज़्यादा यानी स्पाइसी फूड का खाते हैं और ज़्यादातर ऑफिस में काम करते हैं, चहलकदमी नहीं करते, आप जो है अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें नक्सवामी का है, क्योंकि आपका जो है वो सारा निज़ाम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका ख़राब होगा, आप में जो ब्लोटिंग का प्रोसेस होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, उसके लिए है नक्सवामी का। नक्सवामी का 30 आप इसको 3 में 3 टाइम ले सकते हैं, उससे आपका डाइजेशन सिस्टम सही होगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका बाकी प्रॉब्लम सही हो जाएंगे। उसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना में क्या होगा, आपका जो सारा खून की जो गर्दिश है वो सर में होगी और आपके जो रगे हैं ये जो है यहाँ से फड़कती महसूस होंगी, आपकी जो रोशनी है बल्ब की या सनलाइट की जो भी रोशनी है वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपको सर में शदीद किस्म की दर्द होगी, इसके अलावा आपको चक्कर आएंगे और आपका जो सर है वो गर्म होगा, इसकी मेन सिम्टम आपके जो पाँव होंगे वो सर्द होंगे। तब आप लें बेलाडोना 30, 2 ड्रॉप्स सुबह, 2 दोपहर को, 2 रात को, लेकिन डॉक्टर के अगर मशवरे से लेने से ज़्यादा बेहतर है हमेशा वही मेडिसिन यूज़ करें होम्योपैथ की जो आपकी सिम्टम के मुताबिक है। आपको अगर आपको सूरज की गर्मी से तपाई से आपको सर दर्द होती है, आपका बीपी बढ़ जाता है, ऐसे मेल्स जो कि आउटगोइंग काम करते हैं सूरज में या गर्मियों के सीज़न में, उनमें डिहाइड्रेशन हो जाए, उनका बीपी बढ़ जाए, ऐसी फीमेल्स जो किचन का काम करती हैं और उनमें अगर ये प्रॉब्लम हो जाए, और साथ साथ एक बात है कि उनकी मेन सिम्टम्स ये होती है को उनको जिस्म के हर हिस्से से पल्पिटेशन महसूस होता है, हमारे जिस्म का जो हर हिस्सा है वो धड़क रहा है, उनमें पल्पिटेशन है, कानों तक पल्पिटेशन महसूस होती है, तब है ग्लू नाइन 30 TDS 2 कतरे सुबह लें, 2 दोपहर को लें, 2 शाम को लें, ठीक है। और तीसरी मेडिसिन जो है वो है ओवामेट। ओवामेट में क्या होता है, जब एंग्जाइटी से डिप्रेशन से आपका बीपी बढ़ जाता है, आपको कोई फैमिली प्रॉब्लम है, आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, या आपको कोई ऑफिस का वर्क है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा मसला है जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं, आप करते रहते हैं और आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और आपको डिप्रेशन की वजह से आपका जो बीपी है बढ़ जाता है और आप इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आपका दिल करता है कि मैं सुसाइड कर लूं, तब उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है ओवामेट। ओवामेट 30 यानी वही 2 कतरे सुबह लें, 2 दोपहर को लें, 2 रात को लें। ये मेडिसिन अगर आप कुछ अरसे के लिए जारी रखेंगे तो ब्लड प्रेशर पे इजीली कंट्रोल आपको आ जाएगा, साथ साथ
आपकी जो एलोपैथिक मेडिसन है वो आपने जारी रखनी है, क्योंकि आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। हो सकता है आपकी जो हाइपरटेंशन है वो क्रोनिक भी हो, अक्यूट भी हो सकता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जब इम्यूनिटी बूस्ट कर जाएगी, आप में इस किस्म की कुवतें बर्दाश्त आ जाएगी, फिर आपकी एलोपैथिक मेडिसन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगी। इसके अलावा एक मैं ऐसा आपको टॉनिक बता रही हूँ जो आपके हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, और ब्लड प्रेशर की वजह से जो आपको इंसोम्निया का मसला हो जाता है, रात को आपको नींद नहीं आती, आप सारी रात टेंशन का शिकार रहते हैं, और ब्लड प्रेशर की वजह से जो आर्टरीज में तंगी आती है, खून की नालियों में खून सही तरह से गर्दिश नहीं करता, उसके लिए एक ऐसा वाहिद कम्बिनेशन है जो के इस्तेमाल करने से आपको खतर खा रिजल्ट मिलेगा। तकरीबन 90 से 98% उसका रिजल्ट मैंने अपने क्लिनिक में देखा है। उसके लिए सबसे जो पहली मेडिसन है रोल्फ्रिया क्यू है, दूसरी मेडिसन क्रेटिगस क्यू है, तीसरी मेडिसन पैसिफ्लोरा क्यू है। इन तीनों को क्यू में यानी कि मदर टिंक्चर फॉर्म में लें, तीनों आपको इजीली बाजार से मिल जाएंगी किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से। इनको क्या करें, आप 1/4 कप 1/4 कप पानी का लें, उसमें 10 कतरे रोल्फ्रिया क्यू के डालें, 10 कतरे क्रेटिगस क्यू के डालें, 10 कतरे पैसिफ्लोरा के डालें। तो अब आप सुबह में लें यानी कि नाश्ते के बाद लें, इसी तरह आप दोपहर को लें, इसी तरह आप रात को सोने से पहले लें। इस मेडिसन से क्या होगा, आपका जो हार्ट पल्पिटेशन से जो आपकी हार्ट के मसल्स वीक होती हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, आपको अच्छी किस्म की नींद आएगी, और आपका जो डिप्रेशन है ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो आप इनको भी इस्तेमाल करें, रूटीन में रखें, और कुछ अरसे के इस्तेमाल से आप खुद इसमें खातर खा अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां देखेंगे, और ब्लड प्रेशर जो है वो आपका फिर यकदम सडनली शूट नहीं करेगा। उसके अलावा चंद एहतियात हैं, उस पर भी आप अमल करें तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आप इस बीमारी से काबू पा लेंगे। सबसे पहले ये है कि अपनी डाइट में आप नमक को साल्ट को कम से कम कर दें। हाइपरटेंशन के क्रोनिक पेशेंट हैं तो साल्ट को अवॉइड करें, स्पाइसी फूड को अवॉइड करें, जो फैट वाली फूड होती हैं उनको आप अवॉइड कर दें। इसके अलावा आप चहलकदमी करें, चाहे 30 मिनट्स करें, 15 मिनट्स करें, ये नहीं है कि आपकी एज अगर 40 से अबव है तो आप जिम ज्वाइन कर लें, नहीं। और पानी का इनटेक ज़्यादा करें, टेंशन मत लें, टेंशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन टेंशन को अपने पे मुसल्लत ना करें। और अगर आपको किसी किस्म की टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो तो आप फौरी तौर पे नमाज की बाकायदगी करें, इंशाल्लाह ताला आपका जो ब्लड प्रेशर के अलावा जो दूसरी बहुत सी अमराज हैं वो भी कंट्रोल में आ जाएंगी। खुश रहें और दूसरों में खुशियाँ बांटें। इन सब का हामी नासिर हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।